बिहार में कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों दलों के बीच कई लोकसभा सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। बता दें कि आरजेडी ने तो कई लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। एक तरफ लालू की पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसलिए नाराज है कि आरजेडी ने अपनी तरफ से कुछ सीटें पहले ही घोषित कर दी, जबकि आपस में ये तय हुआ था कि जब तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो जाता तब तक सीटों का ऐलान नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को बिहार में 6 लोकसभा सीटों से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस इससे कहीं अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है पप्पू यादव कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। वहीं आरजेडी इस सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बना सकती है। बता दें कि बीमा भारती नीतीश कुमार की जेडीयू से विधायक हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने जेडीयू छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर ली है। वहीं जब बीमा भारती से पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता, और बिल्कुल एकदम एरी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आइएगा मैदान में। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आप पूर्णिया से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लोकसभा लड़ाएंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे हम। लेकिन पूर्णिया से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव भी लड़ेंगे, वो भी बाहुबली हैं, तो उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरे नेता का, जो हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल है तेजस्वी जी आदरणीय, और माता राबड़ी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लालू जी है, पिता तुल है, जो उनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। लड़ाएंगे चुनाव तो हम लड़ेंगे। बता दें कि पप्पू यादव भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि वो किसी भी हाल में पूर्णिया लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। मैं 2 सालों से कोसी सीमांचल में और 5 सालों से बिहार में काम कर रहा हूँ। लगभग 10 लाख परिवार से मैं कोसी सीमांचल में और 6 लाख परिवार से पूर्णिया में मिला हूँ। प्रणाम पूर्णिया यात्रा से लेकर लाखों की भीड़, 3 बार मैं और 1 बार मेरी माँ वहां से चुनाव लड़ी है। 6 बार मैं संसदीय जीवन मेरा रहा है, जिसमें 4 बार इंडिपेंडेंट रहा हूं। रंजीत रंजन जी 2 बार और 3rd बार हैं। कांग्रेस का जो विश्वास एक बेटी की तरह रंजीत जी पर और एक पुत्र की तरह मेरे पर है, वो मेरे लिए काफी है। राजनीति अपने जगह पर है, रिश्ता और विश्वास और विचारधारा ऊपर है। विचारधारा से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होती है। कांग्रेस परिवार और सोनिया गांधी का बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस हमेशा संकट में लालू जी फैमिली और बिहार के लिए रहा है। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाए, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से नहीं। बिल्कुल हर परिस्थिति में जीना यहां मरना यहां, तेरे सिवा जाना कहां। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूर्णिया के अलावा भी 1-2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान जारी है। जब लोकसभा चुनाव में चंद हफ्ते का समय बचा है तो कांग्रेस आरजेडी की आपसी खींचतान राजनीतिक तौर पर दोनों ही दलों को नुकसान पहुंचा सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।